आतिशी ने नई दिल्ली की मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिलाई शपथ। दिल्ली की बनी तीसरी महिला मुख्यमंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल की नेता चुनी गई थी आतिशी। गोरखपुर में आयोजित महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गोरक्षपीठ की परंपरा जोड़ने की परंपरा है। गोरक्षपीठ से जुड़े सभी संस्था कर रहे हैं काम। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। शामली में राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आरएलडी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, सरकार गरीबों के लिए बना रही योजनाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना में हर गरीब का ध्यान। योजना के पोर्टल पर पंजीकृत कर हर कामगार को मिल रहा लोन। 1 से 50 लाख तक लोन की सुविधा। ऋण लेकर अपना कारोबार बढ़ा सकता है कामगार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्नाव में पार्टी कार्यालय में की मीटिंग। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर कहा, ये हमारी आस्था से जुड़ा संवेदनशील विषय है। सरकार सब विषयों पर जांच कराकर कार्रवाई करेगी। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अखिलेश यादव के सीएम योगी पर दिए बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दिया बयान। कहा, ये लोग सनातन और हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। प्रदेश से पूछो कौन है गुंडों की पार्टी, सब बता देंगे। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद मामले में कहा, करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मिर्जापुर में सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री अनिल राजभर। जिले के गोपालपुर में 23 सितंबर को है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। इस दौरान अखिलेश यादव के एनसीआरबी के डेटा के सवाल पर कहा, पहले की सरकार और सपा सरकार में नहीं दर्ज होता था मुकदमा। फिरोजाबाद के नौसेरा गांव में ब्लास्ट पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह। पीड़ित परिवारों को दिए 4-4 लाख रुपए के चेक। अखिलेश यादव के एसटीएफ को ठाकुर फोर्स बताने पर जयवीर ने कहा, हताशा निराशा से कुंठित है। अखिलेश यादव मुठभेड़ में मारे जाने वाले अपराधी, इनके संबंधी। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दिया बयान। कहा, उन्नाव में खुलने जा रहा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। पिछले सरकारें शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थी। हर क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय देने की तैयारी। अब निजी विश्वविद्यालय को भी आमंत्रित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देश और विदेश के विद्यार्थी यहां पर पढ़ने आएंगे। तिरुपति में प्रसाद विवाद पर वाराणसी में बोले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रसाद में मिलावट की खबरों को बताया चिंताजनक। कहा, हिंदुओं में प्रसाद को लेकर जो श्रद्धा होती है उसे लेकर अब शंका उत्पन्न होती है। वाराणसी में मुझे बाबा श्री काशी विश्वनाथ का प्रसाद मिला। मेरे मन में तिरुमला प्रसाद की बात आई। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूनानी मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। सपा मुखिया पर साधा निशाना। कहा, आजम खां को जेल पहुंचाने वाले अखिलेश यादव खुद हैं उनकी सरकार में। आजम खां पर दर्ज हुआ था मुकदमा। बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान पर कहा, राहुल गांधी झूठ की मशीन है। राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के चरित्र में है झूठ बोलना। राहुल गांधी भी आरक्षण के विरोधी। अनुच्छेद 370 को लेकर कहा, 370 खत्म होने पर लागू हुई आरक्षण की व्यवस्था। कांग्रेस ने वाल्मीकि समाज के साथ धोखा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खान को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत को किया खारिज। हाईकोर्ट ने आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम को राहत देने से किया इनकार। नगर पालिका की सफाई मशीन हड़पने मामले में हुई सुनवाई। सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान ने दर्ज कराया था मुकदमा। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी का आरक्षण पर दिए बयान पर किया विरोध। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का गंज चौराहे पर पुतला फूंका। सैकड़ों बीजेपी ओबीसी मोर्चा के समर्थक रहे मौजूद। ताजमहल को लेकर अखिलेश यादव द्वारा खड़े किए गए 8 सवालों पर एएसआई ने दिया जवाब। एक्स पर अखिलेश के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एएसआई ने लिखा जवाब, ताजमहल के गुंबद पर जंग लगने की सूचना फेक। अधिक वर्षा से पानी की कुछ बूंदे दिखी जिनका निराकरण हुआ। मुख्य गुंबद नहीं, बाहरी दीवार में उगा था पौधा जिसे हटाया गया। 1 वर्ष से अधिक समय से किसी पर्यटक को बंदर की शिकायत नहीं। कुछ भ्रामक नकारात्मक खबरों से कोई भी भ्रमित ना हो।
मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत का आरोप फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की दी गई धमकी। कहा, कुछ मामले में पुलिस करती है कार्रवाई, कुछ में बरतती है ढिलाई। धमकी देने वाले ने ओमपाल पवार बताया अपना नाम। टिकैत ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लखीमपुर में प्रशासनिक व्यवस्था पर बाढ़ पीड़ितों ने लगाया बड़ा आरोप। ग्रामीणों ने कहा, बाढ़ राहत किट के नाम पर हो रही अवैध वसूली, 600 रुपए में बाढ़ राहत किट और 150 रुपए में मिल रहा तिरपाल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मेरठ में प्रदर्शन, टीम को वापस भेजने की मांग। हिंदू संगठन ने पैदल मार्च कर पहुंचे कलेक्टर ऑफिस, कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए किया विरोध। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के चलते टीम का विरोध। हिंदू संगठनों ने पीएम और गृह मंत्री के नाम चिट्ठी डीएम को सौंपी। श्रावस्ती जिले के लापरवाह अधिकारियों पर डीएम की कार्रवाई। 27 विभाग के मुखिया का काटा वेतन, अधिकारियों को 3 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश। 14 सितंबर को डीएम की जरूरी मीटिंग से गायब रहे 27 अधिकारी। हरदोई में तहसील दिवस में पैसे लेते हुए फर्जी लेखपाल पकड़ा गया। फर्जी लेखपाल महिला के जाति प्रमाण पत्र पर लगा रहा था रिपोर्ट। लेखपाल ने मौके से पकड़ डीएम एसपी के सामने किया पेश। डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में लिया। बदायूं में दिन दहाड़े खाद बीज व्यापारी से लूट, हथियारों से लैस बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारपीट कर 4 लाख लूटे। बोलेरो सवार आधा दर्जन के करीब बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस चौकी से 500 कदम की दूरी पर हुई वारदात। सूचना पर पहुंची पुलिस, क्षेत्राधिकारी जांच पड़ताल में जुटे। सहारनपुर में जिला कृषि रक्षा अधिकारी का कीटनाशक विक्रेताओं पर छापा। अधोमानक कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी, अभिलेख पूरे नहीं मिलने पर 2 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित। मेरठ में 20,000 की रिश्वत लेता दरोगा गिरफ्तार। केस से नाम निकलवाने के नाम पर हो रही थी अवैध वसूली। झगड़े के केस में शिकायतकर्ता को किया था नामजद। पीड़ित के शिकायत के बाद एंटी करप्शन ने रंगो हाथों पकड़ा दरोगा विक्रम ने एंटी करप्शन की टीम से की हाथापाई। एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर अर्चना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। उन्नाव में घूस लेते एंटी करप्शन ने एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर हीरा सिंह को एंटी करप्शन ने रंगो हाथों पकड़ा। 50,000 रुपए की घूस ले रहा था इंस्पेक्टर। पुलिस क्लब से पैसे लेने के दौरान हुई गिरफ्तारी। बुलंदशहर में बिजली बिल माफी को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में ट्रैक्टर्स के साथ कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे किसान। किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शिप में नौकरी दिलाने वाले फर्जी कॉल सेंटर का नोएडा पुलिस ने किया भांडाफोड़। एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को फंसाते थे। एक लोग से लेते थे लगभग 50,000 रुपए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और फर्जी दस्तावेज बरामद।